Beyond infinity and back again. I'm to them. Young dog and I talking. म्यूजिक अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, देखो आप म्यूजिक का मजा लो। ये देखो दो स्पीकर दिया हुआ है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। थोड़ा सा पार करते हैं। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है एआरजे बाइक्स। तो यार आज आप लोग के लिए कुछ नया चीज लेके आया हूँ जो कि काफी ज्यादा ट्रेंडिंग है और काफी ज्यादा इसका वेटिंग है। ये रहा ओला S1 प्रो। ये जो स्कूटी है ये ओला S1 प्रो है, इलेक्ट्रिक है, फुल्ली इलेक्ट्रिक। और इसका फीचर्स मैं आपको ये पूरा अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। और यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को जरूर लाइक करना। और जो भी कंफ्यूजन हो या कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करके मेरे से जरूर पूछ सकते हो। आइए आपको मैं बताता हूँ। तो गाइज जैसे कि अभी गाड़ी लॉक है, अब इसको अनलॉक करना है तो आपका ये फ़ोन में लॉग इन होता है। जैसे ये देखो अभी अनलॉक है, ये देखो। और ये चीज़ बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है, काफ़ी हाई टेक्नोलॉजी के साथ यूज़ किया गया है। इसमें सारा कुछ फीचर्स है, जैसे कि फीचर्स में आपको मैं बताता हूँ। ये भाई हैं, क्या नाम है, बस नाम बता दो। प्रणव। तो इनका ही स्कूटी है, तो फीचर्स एक बार बताना ना। ये होम आपका UI इंटरफेस है, ठीक है। तो म्यूजिक प्ले हो जाता है, म्यूजिक प्ले होता है ना, इससे मोबाइल से आपसे कनेक्ट हो जाएगा, उसी से यूज हो जाता है। ये आपका ट्रंक खुल जाता है, इससे यहाँ पे आपका रेंज बता रहा है, यहाँ से 101 किलोमीटर चल सकता है। ये स्टैंड बाय दिखा रहा है, स्टैंड लगा हुआ है, ये टाइम दिखा देता है, ये आपका रेंज। तीन ट्रिप, एक टाइम में चलता है, एक ऑल द टाइम, एक ओवर डे और एक करंट वाला। ओके, डिसाइड करते हैं आपको यहाँ पे लोकेशन डालना है, आप लोकेशन डाले कहीं जा सकते हैं। अच्छा एक सेकंड, मैं लालपुर चौक अगर डालता हूँ तो ये लोकेशन कैसे दिखाता है? वैसे स्टार्ट कर दो। अब ये स्टार्ट हो गया। और ये देखो गाइज, ये मतलब बहुत ही अच्छा चीज़ दिया गया है कि कहीं भी लोकेशन आप डालो, आप प्रॉपरली कोई इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं, आप इसी में देख के कहीं भी जा सकते हो। और देखो यहाँ पे डायरेक्शन वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। एग्जिट कर देते हैं इसको, यहाँ पे आपका सेटिंग आ जाता है। सेटिंग आपका कितना रेंज अभी चल जाएगा वो दिखा देता है। अच्छा अभी कितना रेंज है? 73% अभी और चल सकता है। नहीं, 73% बैटरी है। इको मोड में 125 चल सकता है, नॉर्मल में 101 चल सकता है, सही है। ओके, और साउंड यहाँ पे आप साउंड बढ़ा सकते हो। एक बार यार म्यूजिक चला के देखते हैं कैसा चलता है म्यूजिक। आप सारा कुछ देखो फोन से ही कंट्रोल कर सकते हो। ये अपन इसको बैक करते हैं, ये होम हो गया। अगर इसका मेन्यू लाना है तो ये राइट क्लिक। ओके, ये हो गया म्यूजिक। एक म्यूजिक थोड़ा चला दो। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, देखो आप म्यूजिक का मजा लो। ये देखो दो स्पीकर दिया हुआ है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। थोड़ा सा पार करते हैं। ये तो ये काफी अच्छा है, जैसे कि कुत्ते लोग भी भौंकने लगे म्यूजिक में, इतना ज्यादा साउंड है। तो यार ये चीज़ बहुत अच्छा लगा अगर राइड पे आप हो। और 100 कितना किलोमीटर तक रेंज देता है? 135 किलोमीटर का राइड पे अगर आप निकले हो, जैसे मान लो रांची टू जमशेदपुर, तो आप म्यूज़िक का मज़ा लेते हुए आप इसका मज़ा ले सकते हो। और ये कलर जो है ये मैट ब्लैक है, पूरा मैट फिनिशिंग में, और बहुत ही खूबसूरत सा लुक आ रहा है इसका, ये देखो। और थोड़ा सा स्पोर्ट्स टाइप वाला भी फील दे रहा है। अलॉय व्हील है, दोनों ट्यूबलेस टायर है, ट्यूबलेस टायर है ना, हाँ। और दोनों चक्के में डिस्क है, ये भी सही है। और टायर का साइज इसका किधर गया, हाँ, फ्रंट का जो है वो 110/70/12 इंच का आपका अलॉय है इसमें। और बैक में भी सेम ही होगा मेरे ख्याल से, सेम है ना, दिख नहीं रहा गाइज। तो बैक का भी जो है अलॉय वो भी सेम है और इलेक्ट्रिक है, इसीलिए ग्रीन नंबर प्लेट है। ये देखो J01 रांची का है ये गाड़ी S1 Pro। और ये देखो यार अपने आप लॉक हो जाता है ना, कितने टाइम का इंटरवल में लॉक होता है भाई? 10 सेकंड के आसपास। 10 सेकंड में, अच्छा तो ये बहुत ही अच्छा लगा यार। तो यार इसका बटन्स के बारे में बता देता हूँ आपको। ये आपका लाइट के लिए दिया गया है, और ये किस चीज़ के लिए था यार? रिवर्स के लिए, हाँ। अच्छा क्रूज कंट्रोल, अच्छा क्रूज कंट्रोल भी है, वाह यार ये बहुत अच्छा लगा जान के। इससे रिवर्स भी होता है यार, ये इंडिकेटर के लिए हो गया, ये हॉर्न हो गया, ये आपका ये किस चीज़ के लिए, मोड के लिए। इसमें चार मोड टोटल दिया हुआ है, पावर मोड, हाइपर मोड, इको,
इको है, देखो इको नॉर्मल स्पोर्ट हाइपर, हाइपर में सबसे ज़्यादा स्पीड चलेगा, लेकिन इस जगह पे ऐसे जगह पे आप चला नहीं सकते हो क्योंकि पिकअप बहुत ज़्यादा रहता है। ये आपका पावर बटन हो गया, ये म्यूज़िक के लिए वॉल्यूम अप डाउन करने के लिए है, ये प्ले म्यूज़िक के लिए। तो म्यूज़िक यहाँ इसमें पता है सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड मेरे को म्यूज़िक लगा है, बहुत ही अच्छा चीज़ दिया गया है। और डिस्प्ले कितना इंच का होगा ये, लगभग 1.7। और देखो यहाँ पे बैटरी का ये दिया हुआ है, और गाड़ी पार्क्ड है कि नहीं वो भी दिखाया गया है, ब्लूटूथ कनेक्ट है कि नहीं ये भी दिखाया गया, और इसमें पूरा डिटेल्स आपका दिखाया गया है कि चलने का इस कितना रेंज देगा क्या है। अब इसका होम पे आ जाते हैं, तो ये आपका मेन होम बटन है, ये म्यूज़िक के लिए है, पार्किंग, इसमें किलोमीटर कितना चलेगा या चलता है उसके लिए दिखा रहा है, अभी कितना चला है उसका। अच्छा ये सही, ये ऑन हो गया ट्रंक, यहाँ से अगर आपको ओपन करना है तो यहाँ से आप क्लिक करोगे ऑन हो जाएगा और ओपन हो जाएगा ये। और ये देखो यार कितना सारा स्पेस है भाई ने, कितना सारा हेलमेट, यहाँ लगता है दो हेलमेट तो इजीली आ जाएगा। बाकी इसका एग्जैक्ट लीटर कितना है वो तो नहीं बता सकता, लेकिन देखो स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, तो ये चीज़ बहुत ही अच्छा दिया है ओला वालों ने। और इसका नाम है S1 Pro, इसका और एक लोअर वर्जन आता है S1, उसका नाम है सिर्फ। तो गाइज़ एक चीज़ और है, यहाँ पे USB भी दिया हुआ है, फ़ोन वगैरह अगर आप चार्ज करना चाहते हो तो वो चीज़ भी आपका आपके लिए इजी हो जाएगा, यहाँ पे आप फ़ोन रखो चार्ज होते रहेगा। और यार गाड़ी इसीलिए थोड़ा अंधेरे में दिख रहा है क्योंकि मैं शाम में वीडियो बना रहा हूँ, उसके लिए सॉरी रहेगा। और इसका लाइट देखो गाइज़, फुल लाइट इसका LED है पूरा, ये DRL भी दिया हुआ है साइड में, और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है ये मेरे को देख के। और इसका इंडिकेटर भी LED है पूरा ना, इंडिकेटर चलेगा क्या ये देखो गाइज़, ये आवाज़ क्यों कर रहा है, इलेक्ट्रिक है तो अभी बहुत शांत हो जाएगा इसे आवाज़ आना। अच्छा बहुत शांत, अच्छा इलेक्ट्रिक थोड़ा नहीं बहुत पूरा शांत है, मैं चला के देखा पीछे का, देखो अब टेल लैम्प भी पूरा LED है, जो कि बहुत ही अच्छा बनाया गया है ओला S1 Pro। इसके ऑनर से मैं पूछता हूँ कि प्राइस क्या है, 1.5 ऑन रोड पड़ जाता है, 1.5 ऑन रोड S1 Pro का ना, इसका हाँ, एक नीचे वर्जन वाला आता है वो आपका 1 लाख का पड़ता है, और जो S1 Pro है वो 1.3 पड़ता है, बट ऑन रोड आते आते रजिस्ट्रेशन इंश्योरेंस पे आते आते 1.5 पड़ जाएगा। ओके ये 1.5 का है। तो गाइज आप लोग अगर लेना चाहते हैं तो लेने के लिए क्या प्रोसेस है एक बार थोड़ा शॉर्ट में बता दो ना। बस आपको जो ओला का ऐप है उस पर बुक करने होता है, 500 रुपये लगता है बस बुक करने में, और आपका एक महीने के अंदर डिलीवरी हो जाएगी, एक महीने के अंदर डिलीवरी हो जाएगी कर देते हैं। ओके, और इसमें कोई ऐसा तो नहीं लंबा वेटिंग? नहीं, आपको बस एक बार बुक करना होता है, फिर किसी दिन परचेज विंडो जब खुलता है तो आपको फुल पेमेंट करना है। आपको EMI का भी ऑप्शन मिलता है, वो आपको वहाँ जाके पता चल जाएगा, फिर उसके बाद जब फाइनल परचेज विंडो आप कर लोगे उसके बाद एक महीने के अंदर आपको डिलीवरी हो जाती है। ओके ये देखो यार, चला के देख रहा हूँ तो काफ़ी ज़्यादा शांत है ये, और मज़ा आ रहा है चलाने में। स्पीड देख रहे हो आप कितना स्पीड बढ़ रहा है, इसका स्पीड है 115 ऐसा है टॉप स्पीड। ओ भाई साहब मज़ा आ रहा है यार, एकदम स्मूथ और काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। पहली बार मैं इलेक्ट्रिक चला रहा हूँ ऐसे स्कूटी, इससे पहले कभी नहीं चलाया था, और लाइटिंग वगैरह भी अच्छा है, दिख जाता है LED लाइट है। बाकी यार क्या, बाकी सब मस्त है बाबा। ओ हो, एक बार भगा के देखते हैं कितना स्पीड बढ़ता है। ऐसे तो भाग जाएगा यार, लेकिन रास्ता खराब है इसीलिए उतना स्पीड भगा नहीं रहा हूँ। ओ भाई ओमनी वाले ठोक मत देना यार ये, और सस्पेंशन भी इसका अच्छा है। तो यार अगर आप मेरे से पूछोगे कि गाड़ी कैसा है स्कूटी कैसा है, तो मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगा चलाने में, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। ओला के बारे में बहुत पहले से हम लोग सुनते आ रहे थे, क्या प्रभात इधर आओ भाई, अरे आओ यार शर्माओ मत भाई, ये भी मोराबादी में हम लोग बना रहे थे वीडियो। तो भाई देखने में तुमको कैसा लगा? बहुत मस्त लग रहा है, और मतलब जैसे कि ओवरऑल बहुत ही अच्छा है। और प्राइस इसका बता दिया जैसे कि 1.5 लाख है ऑन रोड, और एक महीने में आपको गाड़ी मिल जाएगा अगर आप बुक कराते हो। 500 रुपये में बुकिंग होती है, ऑनलाइन ऐप से ही होता है ना, तो ये बहुत अच्छा चीज़ है। ओवरऑल गाड़ी बहुत अच्छा है यार, अगर आप लेना चाहो तो बिल्कुल ले सकते हो, और काफ़ी ज़्यादा इसमें थ्रिल फन वगैरह सब कुछ कर सकते हो। तो चलो इतना ही था इस गाड़ी के बारे में, शॉर्ट रिव्यू था। बाकी गाड़ी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो कैसा लगा लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।